तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज जो है हम सीपीयू का बोर्ड में कैसे फिक्स किया जाता है, सीपीयू को कैसे बोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है सीपीयू को, और तो इसी पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप हमारे वीडियो पहला वीडियो नहीं देखें, सीपीयू को कैसे रिबॉल करना है बिल्कुल सेफ मेथड से और बिल्कुल वन शॉट में, और एमसी ब्लैक पेस्टेड आईसी को सीपीयू एमएमसी को कैसे निकालना है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीपीयू को बोर्ड में कैसे फिक्स करते हैं, और ये रियलमी 3 का बोर्ड है और इसी सीपीयू का मैंने वीडियो बनाया था जो मैं टिक्स एंड ट्रिप्स देने वाला हूँ, तो वो बहुत ही आपको रेयर कहाँ केस रही में है कोई इसी को मिलेगा। चेक करें तो थोड़ा सा उससे पढ़ते हैं पहले थोड़ा मैं सा। बता दूं फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं रोजिन का धुआं दे रहा हूँ हल्का हल्का यहाँ पे, इससे क्या होता है कि मैं आगे बताऊँगा। इसे सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो ये ट्रिक है फ्रेंड, जो कि आपको कोई नहीं देगा, कहीं वीडियो में नहीं देखे होंगे, ये जो रोजिन का थोड़ा स्मोक यहाँ दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि मेरा जो है सिर्फ यहाँ सीपीयू को लगाने से पहले थोड़ा नॉस्कट पॉइंट का ध्यान रखिएगा जब आप निकालते हैं, क्योंकि अब जो न्यू बोर्ड आ रहे हैं उसमें नॉस्कट पॉइंट का बोर्ड में सिंबल नहीं होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट, सेकंड में ये जो रोजिन पेस्ट हम देते हैं, इसलिए देते हैं कि जब आप रोजिन पेस्ट यहाँ देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो है आईसी हिलेगा नहीं, उड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है, 100% है इस ट्रिक से आपका आईसी नहीं उड़ेगा और वन शूट में आप आईसी लगा लेंगे। फिर मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, और अगर ये वीडियो जो देखते हैं फुल वीडियो देखेंगे ना, उसको मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि आगे सीपीयू या एमएमसी कोई भी आईसी हो उसको लगाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको हीट 0 पे रखना है, सीपीयू लगाते समय, एमएमसी लगाते समय, आईसी लगाते समय, पावर आईसी, तो हीट को थोड़ा आपको 300, 350, अगर आपका क्विक 850 एडी है तो उसको 350 पे रख सकते हैं। कई एसएमडी का सब अलग अलग होता है, तो बाबा में मैंने देखा है कि 360, 70, 80 रख सकते हैं उसमें 60 तक, तो नॉर्मल वैसा ही रहता है अप्रॉक्सीमेट, किसी का ज़्यादा या कम हो सकता है, बट 850 एडी का 360, 70 तक रख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोग ईएमएमसी को जब लगाएं तो ईएमएमसी ब्लैक पेस्टेड होता है, इसमें मेरा मैं रिकॉल किया हूँ उसको भी, तो आप तो उसको थोड़ा ढक दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप जब हल्का हीट देंगे, उसके बाद आप क्या करिएगा, हल्का यहाँ पे हम पेस्ट देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो है हमारा रन करेगा यहाँ पे, ये देखिए चारों साइड ये चल गया, मेरा पेस्ट रन कर गया। इसके बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हीट जो है एयर का नोजल जो है घुमा घुमा के नॉर्मल साइड में, पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, बीच में स्किप कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, तो आराम आराम से देखिए और 100% ये वर्किंग होगा, मैं लास्ट में वीडियो चेक भी कराऊंगा आपको सामने। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आप पसंद आता है और ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम जो हैं आप लोगों के लिए मैग्मा टूल पर वीडियो लाने वाले हैं जो कि बहुत ऑफर के साथ आएगा, जो कि कहीं आज तक वो ऑफ़र आप लोगों को नहीं मिला होगा जो ऑफ़र मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप वीडियो पर बने रहिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जो है आपको ये सीपीयू लगाना है और बोर्ड में फिक्स करना है, ठीक। तो ये देख लीजिए, हल्का वन शूट देंगे लास्ट शूट, ताकि हमें पता चल जाए कि आईसी जो हमारा फिक्स हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मेरा जो है आईसी फिक्स हो गया है, अब अगर अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए।
तो फ्रेंड ये देखिए मेरा जो है आईसी लग के तैयार हो चुका है, और नॉर्मल जो है आईसी को थोड़ा ठंडा होने देंगे बोर्ड को, और बोर्ड को ठंडा होने के बाद हल्का इसको क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद हम दिखाएंगे कि आपका आईसी जो है परफेक्ट लगा है नहीं लगा है। तो फ्रेंड ये जो मैंने ट्रिक दिया ये आपको इंस्टीट्यूट में ही मिलता है, और बहुत सारे इसके लिए फीस करता है फ्रेंड, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो न्यू न्यू आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ तो आपसे मिस ना हो फ्रेंड। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और मैं दिखाता हूँ कि इसका जो है मैं बोर्ड में फिक्स करके दिखाता हूँ कि ये फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है। मैंने भी इसको नहीं देखा है, डेड ही आया था मेरे पास। मैंने सीपीयू ईएमएमसी रिवॉल्व किया तो सीपीयू पे शॉर्टिंग था, इसलिए मैंने इसको रिवॉल्व किया है। तो देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, स्मैटिक डायग्राम चाहे जो भी हो, तो उस पर आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और लाऊं न्यू से न्यू। तो ये देखिए मैं ऑन करके इसको चेक कर लेता हूँ कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो अब हम पावर बटन इसका दबा लेते हैं। तो ये देखिए हमने पावर, ये देखिए मेरा फ़ोन जो है ऑन हो गया, बट इसमें चार्जिंग ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है और रिकवरी मोड आ रहा था। तो इसमें हो सकता है कुछ अलग प्रॉब्लम, हार्डवेयर प्रॉब्लम। मेरे पास डेड आया था तो मैंने इसका सीपीयू रिवॉल्व किया, सीपीयू के साइड शॉर्टिंग था, तो इसलिए मेरा काम बन गया। मतलब ये है कि परफेक्ट सीपीयू जो है मेरा लग चुका है और कहीं इस तरह से दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने किया है, आप अपने साथ आपके साथ शेयर, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये देखिए फिर मेरा फ़ोन ऑन हुआ, चार्जिंग लोगों पे आया। तो फ्रेंड ये जो देख रहे हैं सीपीयू रिवॉल्व हमने किया है, ये वीडियो जो है मैंने पहले इससे पहले अपलोड किया है, दो पार्ट पहले। तो फ्रेंड अगर ऐसा वीडियो आपको, ये देखिए सीपीयू ऐसे रिवॉल्व करना है, ऐसे ट्रिक आपको चाहिए, तो ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा, लास्ट अब ख़त्म होने वाला, तो इसके लास्ट में आपको दो वीडियो मिल जाएगा, और आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब ये वीडियो देखना मिस मत कीजिएगा, सीपीयू कैसे रिवॉल्व किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड। ये देखिए सीपीयू बिल्कुल अच्छा तरह से रिवॉल्व हो चुका है।